हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीबी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में फॉर ऑल ब्रांचेस। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी दसवीं के बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है और जिसका कॉलेज आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल से अफिलेटेड है बेटा, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, वीडियो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सिलेबस का वीडियो मैंने 2 साल पहले भी बनाया था, लेकिन उस समय क्या था, बच्चों का कोई भी रिस्पांस नहीं था। इसके वजह से क्या हुआ, मैंने डिप्लोमा के वीडियोस बनाना छोड़ दिए। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि एग्जाम के टाइम पे डिप्लोमा वाले बहुत अकेला फील करने लगे कि सर सिर्फ और सिर्फ बीटेक वाले बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, हम पे ध्यान नहीं दे रहे। तो बेटा, इसके पीछे का ये रीजन था। लेकिन अब मैं दोबारा डिप्लोमा के क्लासेस को स्टार्ट करने वाला हूं, तो अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स दिखाइए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करने के लिए मैं भी नहीं बोल रहा हूं बेटा। बस क्या करना, आप वीडियो को शेयर करो और अपना नाम क्या करो बेटा, वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगर 100 कमेंट हो गए बेटा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि डिप्लोमा के फिर मैं आपके रेगुलर वीडियोस लेकर आऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो बेटा। क्योंकि देखो, अगर रिस्पांस मिलेगा तो मुझे मजबूरी में काम करना पड़ेगा। जैसे बीटेक वाले बच्चों का रिस्पांस रहता है कि सर ये वीडियो बनाइए, ये वीडियो बनाइए, एंड डिमांड के साथ मैं क्या करता हूं बेटा, वीडियोस बनाता हूं। तो आप भी डिमांड करें, आपको भी मौका मिल रहा है। क्योंकि देखो, अब क्या है, सिनारियो बदल चुका है। इससे पहले ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, अब वैसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ आपको भी पता है बेटा कि 2 साल आपके कोरोना में जो वेस्ट हुए, आपका बेस बहुत वीक हो गया है। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है जो हिंदी मीडियम से आए, तो प्रॉब्लम पता है बहुत सारी है, मुझे सॉल्व करना है, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए रहेगा। इसके पीछे मैं कहूँ कि बहुत अच्छा सा रीजन दे रहा हूं कि देखो, काम बहुत सारा, लेकिन अगर आप 100 बच्चे होते हैं, 100 बच्चों का कमेंट होता है, मुझ पर दबाव होगा कि नहीं, मुझे अब इन 100 बच्चों को गाइड करना है। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सब कुछ बदल चुका है, आपका सिलेबस भी बदल चुका है। ठीक है, चलिए, देखो सिलेबस क्या है, हर एक ब्रांच के बच्चों का अलग अलग है। क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, डिप्लोमा में 2 ग्रुप को बनाया गया है, एक है आपका ग्रुप ए और दूसरा है आपका ग्रुप बी। अब कुछ ऐसे बच्चे जिनको पता होगा कि ग्रुप ए में कौन कौन सा ब्रांच आ रहा, ग्रुप बी में कौन कौन सा ब्रांच आ रहा बेटा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है कि उनका ग्रुप क्या है, चलिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आपका ग्रुप कौन सा है। ठीक है, देखो बेटा, 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक है ग्रुप ए और दूसरा है आपका ग्रुप बी। अब देखो, ग्रुप ए में कौन कौन से ब्रांचेस आ रहे हैं, आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, आपका केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो ये जितने सारे ब्रांच हैं, इन सारे ब्रांच का क्या है बेटा, आपका ग्रुप ए है। और इधर जितने सारे ब्रांच हैं, सीमेंट टेक्नोलॉजी हो गया आपका, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो इधर राइट साइड में जितने ब्रांचेस है बेटा, उनका ग्रुप बी है। तो आप यहां पर अच्छे से देख लो, अगर आपका ब्रांच इनमें से कोई एक है, इसका मतलब आप ग्रुप ए के हो, और अगर आपका ब्रांच उनमें से कोई है तो आप ग्रुप बी में हो। ठीक है, चलिए, अब ग्रुप डिसाइड हो गया कि आपका ग्रुप कौन सा है। अब बात करते हैं सिलेबस का। चलिए बेटा, तो देखिए, ग्रुप ए में मैथमेटिक्स 1 आपको पहला सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, अगर ग्रुप बी की बात की जाए, तो ग्रुप बी में आपका मैथमेटिक्स 1 है और अप्लाइड फिजिक्स है, मतलब ये दोनों जो आपके सब्जेक्ट हैं ये कॉमन है। इससे पहले डिप्लोमा वाले बच्चों को सिर्फ एक मैथ पढ़ना होता था, लेकिन अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैथ पढ़ना है, आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी मैथ पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी फिजिक्स पढ़ना है, आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी फिजिक्स पढ़ना है। तो अगर 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 आप लापरवाही करोगे, यहां तो फंसोगे, क्योंकि आगे आपको M2 भी पढ़ना है, आगे आपको Physics 2 भी पढ़ना है। तो यहां पर इन 2 सब्जेक्ट्स को बेटा अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के अपन को दिक्कत होने वाला है। ठीक है, चलिए, उसके बाद ग्रुप ए में क्या है बेटा, आपका अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। देख लो, फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया और आपका मैथ भी हो गया। ठीक है, और यहां पर इन लोगों का क्या है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
ये भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा क्या है बेटा, जो देखो इजी कौन सा है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इजी है, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी है, ये आपका कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है, ये यहां पर क्या है बेटा, इजी है, ठीक है। तो ये चार सब्जेक्ट हो गए। अब देखो पांचवा सब्जेक्ट कौन कौन सा है, ये आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, ये ग्रुप ए का पांचवा सब्जेक्ट है, और ग्रुप बी का जो पांचवा सब्जेक्ट है वो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप ए में है तो आपको ये पांच सब्जेक्ट को पढ़ना है, और अगर आप ग्रुप बी में है तो आपको ये पांच सब्जेक्ट को पढ़ना है। चलिए अब आपका सवाल होगा, सर ठीक है हमें पता चल गया हमारा ग्रुप क्या है, हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अब सबसे बड़ा सवाल कि सर पढ़े कहां से, क्योंकि देखिए अभी आप दसवीं से आए हैं, है ना, अभी उतना आपका मतलब माइंड ट्रेड नहीं, और आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग करें तो थोड़ा सा आपको क्या है बेटा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा देखिए मेरे पास फिलहाल अभी क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो चार सब्जेक्ट तो बेटा आपके टफ है ना, एक सब्जेक्ट इजी है और बाकी जो चार सब्जेक्ट है बेटा वो आपके टफ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि अभी फिलहाल मेरे पास क्या है, फिलहाल अभी मेरे पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने स्टार्ट करा था, यहां पर यूनिट वन में करवा चुका हूं, ठीक है। तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यहां पर आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला मेरे ऐप पर मिलेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, लेकिन आप डायरेक्ट ऐप से मत परचेस कीजिएगा, आप पहले क्या कीजिए डिप्लोमा मतलब जो आपका सिलेबस है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप सबसे पहले डेमो देखो, आपको अच्छा लगता है तब आप क्या करना, तब आप मेरा ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे जाके सर्च करना ग्राफिक्स, तो ये आपको पूरा कोर्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वहां पर मिल जाएगा। मैकेनिक्स के लिए क्या करना है बेटा, मैकेनिक्स के लिए मैं डाल देता हूं यूनिट वन का लेक्चर पूरा प्लेलिस्ट में, आप जाइए उस प्लेलिस्ट को देखिए, और हर प्लेलिस्ट में अपना नाम कमेंट कीजिए, मुझ पर दबाव बनाइए कि मैं आपको पढ़ाऊं, छोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा। पेड कोर्सेज हैं उसका डिमांड बहुत ज्यादा, लेकिन जो भी फ्री कोर्सेज मैं लेकर आ रहा हूं, पता नहीं बच्चा उसको क्यों इतना हल्के में ले रहा है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप जाइए, जो ग्रुप बी के बच्चे हैं वहां पर कमेंट कीजिए। अब मेरा सोचना क्या है मैं आपको बताता हूं, मेरा सोचना यह है कि अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं मैथमेटिक्स वन स्टार्ट करूंगा, और जो बीटेक के बच्चे उनसे आप पूछ लेना कि मेरा मैथमेटिक्स वन कैसा है, और अगर मैथमेटिक्स वन का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर प्रोवाइड करूंगा बेटा। तो प्लीज इस वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब का डिमांड नहीं कर रहा हूं ना लाइक का डिमांड कर रहा हूं, मुझे रीच चाहिए जो मुझे मजबूर करे कि मैं आप लोगों के लिए भी क्या करूं बेटा, काम करूं। क्योंकि देखो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, ये तीनों सब्जेक्ट टफ है। यहां पर आप मैकेनिक्स ले लीजिए ग्राफिक्स ले लीजिए, तो यहां पर डिप्लोमा का सफर उतना आसान नहीं होने वाला है। मैं चाहता हूं कि मैं आपका साथ दूं बेटा, लेकिन मैं क्या हूं कि मुझे आप मजबूर करो कि मैं आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाऊं। और अगर मैं जब मैथमेटिक्स वन पढ़ाऊंगा तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, अगर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, जो भी मेरे से हो पाएगा बेटा वो मैं करूंगा। लेकिन मुझे अब चाहिए आप लोगों का फुल सपोर्ट, कम से कम 100 बच्चों का नाम मुझे कमेंट में चाहिए, और अगर 100 बच्चों का नाम कमेंट में आता है तो मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं मैथमेटिक्स वन का लेक्चर लेकर आऊंगा। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं यूट्यूब में पूरा फ्री पढ़ाऊं, या तो कुछ फीस लेके आपके ऐप पर पढ़ाऊं। बच्चा ऐसे नहीं कि सर आप कुछ फीस ले लो बस मुझे पढ़ाओ, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना, ठीक है। चलिए और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है कि जो बच्चा मैथमेटिक्स वन ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, ठीक है, जहांगीराबाद में जो रहता है, और जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है मैं एक टीचर को रख के यहाँ पे ऑफलाइन बैच स्टार्ट करूं। और जो जहांगीराबाद भोपाल में नहीं रहते और कहीं रहते हैं बेटा, तो प्लीज आप शेयर करें ताकि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं। अब देखो जहांगीराबाद के बच्चे भी क्या कि अगर शेयर करेंगे तो यहाँ के बच्चे भी फ्री पढ़ पाएंगे ना, क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना क्या है, मुझे बस इस वीडियो में देखना है कि आपके तरफ से आपके एंड से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है। मैं भी एक सप्ताह ऑब्जर्व करूंगा, देन जो भी डिसीजन लेना होगा मैं लूंगा बेटा। चलिए तो जिनका ग्राफिक्स है आप डेमो एंजॉय कीजिए,
लिंक में डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, जिनका मैकेनिक्स है आप जाइए मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, आप इंजॉय कीजिए बेटा। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें जो मैं बीटेक के लिए करता हूँ मैं आप लोगों के लिए भी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि सब बीटेक वाले बच्चे मेरे खास है, मुझे तो आप पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बीटेक वाले बच्चे तो 11th 12th पढ़कर आते हैं, आप 10th पढ़कर आए हो। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, अपना नाम कमेंट करें, थोड़ा सा प्यार दिखाएं ताकि मुझसे मतलब बदले में आपको भी मैं क्या दे सकूं, प्यार दे सकूं। थोड़ा मुझे मजबूर करो कि नहीं डिप्लोमा के बच्चे हैं, और कोई अगर बीटेक का बच्चा देख रहा है तो भाई डिप्लोमा वाले बच्चों को शेयर करो क्योंकि वो प्रॉब्लम में है। यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे ना कोई भी ढंग का कंटेंट नहीं मिल रहा जिससे बच्चों का हेल्प हो पाए। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।